लेकिन भारत में आकाश जैसे हालात क्योंकि इस इलाके में मानसून औसत से भी कम है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से चिंतन कितना हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है कि जादूगर मटकी में पानी डालता रहता है और वापस आता रहता है। उसकी ट्रिक्स है, उसकी सालों की तैयारी है। इसी तरह से बाकायदा साइंस है, तकनीक है। जब बरसात आती है तो हम उसको जगह जगह तालाबों के द्वारा और परंपरागत ज्ञान के द्वारा रोकते हैं। उसको लंबे समय तक चलाने के लिए देखभाल करती रहनी होगी, जब भी वो सालों तक चलेगा। निकट जो ये अभी बाबूजी बता रहे थे, यहाँ बढ़ने से भी अपने दोनों तीनों गांवों को ही फायदा होगा। गांव जैतपुर के बाया शमशान की जगह पर अगर निकट बन गया तो तीनों गांवों को ही फायदा है, निटाटा कालेर जैतपुर। अगर पानी बरसात पहले शू तैयार किया निकट तो शू पानी आ गया तो फायदा है यहाँ। ये निकट इसलिए बनाया है क्योंकि जो वर्षा का पानी जो बह के चला जाता है उसको यहाँ रोकने से फिर रिचार्ज होता है ज़मीन में, जो अंडरग्राउंड एक्विफर में जाकर के लोगों के कुओं और ज़िंदगी चलाने के काम आता है। आप नीचे की तरफ जो देख रहे हैं रिचार्ज वेल है। रिचार्ज वेल इसलिए बनाया जाता है कि जो पानी बह के चला जाए उसको ज़मीन के अंदर कैसे बैठाया जाए, जो ज़मीन के अंदर जा कर के बैंक बैलेंस की तरह से हमको बाद में काम देता रहे। इसके लिए रिचार्ज वेल बनाया जाता है, हमारे कुओं में पानी हो सके। इसलिए हम पहले बहुत परेशानी में थे, अब ये कालेर में निकट बढ़ने से हमारे कुओं में पानी हो गया और पशुओं तो में पानी हो गया, घर में पानी मरने लग गया और हमारी फसल भी होने लग गई। हमारे छोरे ने जैसे बाहर जाते थे कुआं में, अब कुओं में पानी होने से हम छोरा हमारे यहाँ फसल पैदा करते हैं, यहाँ रहते हैं। हमारे पानी आगो, पहले पानी कौन सो कमी थी बहुत ज़्यादा पानी की, अब पानी आगो शौचालय बन गो। माँ अब पानी के लिए मैं बाहर वास किचन वा भी लगा में ले जाओ, पेड़ पौधा मिर्ची बैंगन टमाटरा की भिंडियों की या कि सबकी लगा रखे तो पानी आगो जीसू। हमारे स्कूल में पीने का पानी है और गटर बन गई है और हमें रोज स्कूल आते हैं। पहले बहुत बच्चे कम आते थे, अब बहुत आते हैं। हमारे को सहगल फाउंडेशन से बाजरे का बीज मिला है, पशुओं को चारा का बीज मिला है और अनेक प्रकार की खादें मिली है, जिसको हमारे खेतों में डालने से अच्छी पैदावार होती है और इनकम होती है। भूरे काड़ा मैंने एनक्रे बनाया है, उससे हमारे खेतों को आसानी से पानी मिल रहा है और पानी मिलने से हमारी फसल बढ़ी है और पहले की से काफ़ी आमदनी भी बढ़ी है। इस इलाके के अंदर बहुत कम बरसात होती है। अभी थोड़ी बरसात हुई है, आप देख रहे हैं छोटा सा नाला है, उसी नाले के ऊपर ये एक जोहड़ बनाया है नया। यही पुरानी तकनीक है जिससे हमारे बुजुर्ग छोटे छोटे एनीकट और जोहड़ बना करके उस बरसात के पानी को रोकें, जिससे रिचार्ज हो करके ज़मीन के पेट में जाए, जिससे हमारे कुओं में आता है और उससे हमारी खेती पशुपालन सब उस पर निर्भर करते हैं। बरसात के अलावा कोई यहाँ स्रोत नहीं है जिसके हम पानी ले सकते हैं।